उनके साथ हमारे हरियाणा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राम किशन जी, गुर्जर बजीत कौशिक जी, प्रताप जी और भी हमने बहुत से साथियों के साथ आए और उपस्थित हमारे सुशील जी, सिंगला साहब, अजय सिंगला जी, नरेश मोहन जी, सुनील शाह जी, चौहान जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन सुनील शर्मा जी, बलबीर गिर जी, हमारे सुधा भारद्वाज जी, प्रदेश की महिला के अध्यक्ष सुषमा खन्ना जी, हमारे जिला परिषद के मेंबर अश्विनी नागरा जी, राजेंद्र जी और मंदीप जी, हमारे एमसी साहेबान भी यहाँ उपस्थित हैं और सरपंच साहेबान, बी डी सिंह जयपुर और बहुत से सभी अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के प्रति समर्पित, पार्टी की रीढ़, पार्टी की जान, मेरे आदरणीय भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार छायाकार साथीगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी साथियों की तरफ से हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके साथ आए हुए सभी अन्य साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। गहराइयों से हार्दिक करता हूँ, आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। आप पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है, आप अपना कीमती समय निकालकर जब जब पार्टी का संदेश आता है आप बढ़ चढ़कर पार्टी में हिस्सा लेने का काम करते हैं। मैं श्री दिल की गहराइयों से आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, हमारी नेता, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी, राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रभारी होने के नाते जो जिम्मेदारियां निभा रही हैं, उनकी भारी व्यस्तताओं को हम भली भांति समझ सकते हैं, लेकिन साथियों ये भी हमारे लिए फख्र की बात है कि बहन कुमारी शैलजा जी समय समय पर हमारे बीच पहुंचती रहती है। जब वह पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष थी, तब चाहे पंचकूला जिले की बात हो, HPSC के दफ्तर में जब कितने नगद कैश लाखों रुपए वहाँ मिले, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन बहन जी के नेतृत्व में हुआ। आपने भी वहाँ पहुँचे, हमारे कालका क्षेत्र से बहुत पार्टी के साथी वहाँ पहुँचे। इसी तरह पंचकूला में 5 सेक्टर में पार्टी का बहुत बड़ा धरना दिया गया, बहन जी वहाँ भी पहुँची और आप साथियों ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। चंडीगढ़ में हर मुद्दे को लेकर, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, लाइन ऑर्डर हो, हर मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ हमने प्रदर्शन किए। कोरोना काल जैसी महामारी, हमारे हर सरकारी की टीम द्वारा कालका में कोरोना पीड़ितों के लिए अस्थायी रूप से अस्पताल जब स्थापित किया गया, आप उस भयंकर बीमारी में हमारे अस्पताल में पहुंचे। इसी तरह इलाके की तरफ से 7A का धरना दिया गया पिंजौर में, तो आप उस धरने का जब आपको पता लगा, आप उस धरने में आपने पहुंचने का काम किया। इसी तरह कालका काली माता मंदिर से पिंजौर तक, पिंजौर गार्डन तक पद यात्रा करने का जो कार्यक्रम आया, आपने उसमें हमारा नेतृत्व किया, वहां भी पहुंचे। समय समय पर सामाजिक समारोह आप हमेशा हमारी अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल कर हमारे बीच पहुंचते रहे हैं। साथियों, यह जो ताकत है, यह आपकी ताकत है जो बहन जी को यहाँ की जाती है। आपको शायद यह नहीं पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों 5-7 मिनट का मुझे बहन जी से अकेले मिलने का मौका मिला। इनका इनके दिल में कितना आपके प्रति आदर है शायद आपको नहीं पता। मैडम जी वहाँ कहने लगी कि प्रदीप MLA को भेंटी के लोग हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि सैकड़ों हजारों जो वर्कर हैं, यह दूर दराज से अपना तेल फूंककर और घंटों घंटों पार्टी के प्रति समर्पण की भावना से नेताओं का इंतजार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। इतना प्यार, इतना सरकार इनके दिल में आपके लिए है। तो साथियों, आज मैं जाना ना कहते हुए देखो चुनाव की हलचल भी लोकसभा के यहाँ आई और
ये भी चर्चा है कि पार्लियामेंट का चुनाव 3 विधानसभाओं के साथ जनरल चुनाव भी हो सकता है। पिछले दिनों हमने रायप्रधान में मीटिंग की, काल का प्रयाग में तीनों काल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग की, हमने दोनों क्षेत्र में मीटिंग की, रायपुर क्षेत्र में मीटिंग की, मोरनी में हमने मीटिंग की, हमने वहाँ इस बात की चर्चा चलाई। तो लोगों ने कहा कि चुनाव अगर आते हैं, जब भी आए तो हमारे उम्मीदवार बहन कुमारी शैलजा जी होने चाहिए, यह प्रस्ताव भी वहाँ पारित किया गया। आपको सब इस बातों को, तो निश्चित रूप से जो हमारे कार्यकर्ताओं का हमारा इतना प्यार आदर मान सम्मान करती है, तो उसकी रखवाली करना भी हमारा फर्ज है, उनकी कदर करना भी हमारा फर्ज है। तो यह निश्चित रूप है कि आने वाला समय आपका है, कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि वैसे तो बहन जी पूरे विस्तार से बताएंगी, आज देश की प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगी, लेकिन मैं मात्र आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी की जो थी, उसने हमारी सबकी तकदीर बदलने का एक काम शुरू कर रखा है, क्योंकि उनके नतीजे जो आने शुरू हुए, मैंने कहा मौसम की तरह राजनीति में सियासत में बदलाव के संकेत स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। आज वही नफरत की दुकानों पर मोहब्बत के कांग्रेस के झंडे फहरने शुरू हो गए हैं। इसके लिए हिमाचल की बात हो चाहे कर्नाटक की बात हो, हम ये ना समझें कि हाँ अब चुनाव हो कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारी निश्चित रूप से है, लेकिन आज जो या भ्रष्टाचार की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हमारे क्षेत्र की सड़कों टूटे होने की बात हो, किसान को बिजली से आज परेशानी है, बिजली नहीं मिल पा रही, बिजली पानी की दिक्कत है, सैवन की दिक्कत है, हमारे यहाँ पैरासैनी अब से लोग बहुत दुखी परेशान है, हमारा तरीका से परेशान है, ट्रिपल इंजन की सरकार कहते थे नगर परिषद की बढ़ गई, आज की लाइटें बंद पड़ी हैं, आज विकास कार्य ठप पड़े हैं, पीने का पानी भी आज ठीक तरह से उपलब्ध नहीं हो पा रहा, आज जाम की समस्या हमारे यहाँ बड़ी रहती है, सुखो बाजी बाईपास जो है कछुए की चाँद का उसका काम चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए साथियों, आप भी पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है, आपकी ताकत की चिंगारी से ही हम इस सरकार को फाड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि हमारी जो इस संसदीय क्षेत्र के किले की जो विधानसभा ग्रुप है, उसकी जो हमारी दुर्गा जैसी शक्तियत हमारे बीच हमारी बहन कुमारी शैलजा जी बैठी है, इनकी रखवाली करना, इनका इतनी भारी व्यवस्था होने के कारण अगर चुनाव होते हैं तो हमारे बीच बहुत कम समय दे पाएंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की प्रभारी भी है, वहाँ भी इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं। तो हमारा दायित्व बनता है या हमारा फर्ज बनता है कि हम जी जान से एकजुट होकर, अभी बूथ कमेटी में भी बात आई, मैं बधाई देना चाहता हूँ रायपुर मोरनी क्षेत्र के लोगों को, जो इतना दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ 29 बूथ है, 29 बूथों में से 27 बूथों की जीत वहाँ से आ चुकी है। इसी तरह रायपुर वाले के भी बहुत साथी हैं, आज बता रहे थे कि बहुत रिश्ते बढ़ चुके हैं, तो मेरी आपसे यही विनती प्रार्थना है कि बूथ कमेटियों में जल्दी से जल्दी गठन करके अपने अपने स्तर पर हम अपने गांव तक बूथ तक पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं आपके हौसले के बलबूते बहन जी को यही आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो हमारा मार्गदर्शन करेंगी, जो हमें दिशा निर्देश लेकर जाएंगी, जिस तरह का भी कार्यक्रम आने वाले समय का होगा, हम उसे तह दिल से सर अंजाम देने का आप सबको प्रयास करेंगे। और मैं बहन जी को यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके नेतृत्व में पहले भी डटे हैं, डटे रहेंगे और आगे भी डटे रहेंगे का आपको आश्वासन दिलाते हैं। मैं पुनः आप सभी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतने अच्छे डिसिप्लिन से, इतनी अच्छी व्यवस्था से आप यहाँ बैठकर हमारी आदरणीय बहन जी को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बहन जी का भी मैं पुनः बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना समय निकाल कर आए, और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पत्रकार छायाकार साथियों का भी, और जो भी यहाँ आज हमारी अन्य संस्थाएँ भी आई, वह उनका भी साथ मैडम जी का आदर सत्कार करेंगे, तो उन सभी संस्थाओं का भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।